आप जिस होटल में बैठे हैं मैरियट, ये विश्व के सबसे सुंदर टॉप के होटल्स की सीरीज में आता है मैरियट। यहाँ पर अगर आपको बंद कर दिया जाए, 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया जाए, तो आपको लगेगा एक छोटा मोटा स्वर्ग है ये। हम जैसे लोग जो गांव से आ जाते हैं वो अकबकाए हुए थोड़े से रहते हैं, लेकिन हमारे लिए जो सुंदरता, ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं होगी, स्विमिंग पूल नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं कि हमारी दृष्टि सुंदर चीजें नहीं देखती। मैं आपको एक ऐसी सुंदरता दिखाता हूँ, सुनिएगा। आप एक कल्पना करिए कि आप एक चांदनी रात में खुले आसमान के नीचे हैं, एक झील के किनारे हैं, और उस झील में एक नाव है, नाव पे दो प्रेम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और वो दोनों आपस में जो बातचीत करते हैं वो बातचीत मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। बस इतनी सी कल्पना करिए कि चांदनी रात है, झील पे नाव है, नाव पे दो प्रेम करने वाले लोग और उनकी आपस की बातचीत। पहली जो बात लड़का कहता है वो मैं सुनाता हूँ, सुनिए। स्वागत है, वहां निकले तो निकलने दीजिए। चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात ऊब जाएगी। चांदनी है रात, हम दोनों साथ साथ, किंतु चुप यूं रहोगी तो ये रात ऊब जाएगी। झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव, झील पे है नाव और नाव पे है ठाव गांव। शर्तियां ये बात बढ़ महबूब जाएगी, झील पार नाव, नाव पे है ठाव गांव। शर्तियां ये बात बढ़ महबूब जाएगी, झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि। अब लड़की का जवाब सुनिए। झील पार बाहर की दुनिया सुनेगी यदि, हम दोनों की हंसी उड़ाई खूब जाएगी। और देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना सताओ हमें, देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ना सताओ हमें, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। देखो मेरी बात, ऐसे ना सताओ हमें, छोड़ो ये कलाई देखो नाव डूब जाएगी। लेकिन ना कोई कलाई छोड़ता है और ना वे नावें बचा करती हैं जिन पे ये स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, तो वो नाव भी अंततः डूब गई। लेकिन गीत यहाँ से शुरू होता है कि जब नाव पार होती है, अगला दिन सुबह आती है, तो उस लड़की के मन में संकोच है कि कल किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था, तो ऐसा नहीं कि नदी के किनारे किसी ने मेरे कंगनों की खनखनाहट सुन ली हो। उस संकोच का एक गीत मैं आपके समक्ष रखता हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत है बेटा, पढ़िए। रात कल कंगन खनकने की वजह से, रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही है। रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही थी। कोयले का आंच से परिचय हुआ था, कोयले का आंच से परिचय हुआ था, देह सारी तम तमा कर जल रही थी। रात कल कंगन खनकने की वजह से, पहला बंद सुनिए भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो बेटा। देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरार, देह पर लिखी हुई थी छेड़खानी और शरारत, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर, और उलझे केश चुगली कर रहे थे मौन होकर। भाल से भटकी हुई बिन दी गवाही दे रही थी, भाल से भटकी हुई बिन दी गवाही दे रही थी। मूक सहमति दी पलक ने लाज के पर्दे गिरा कर, एक झिझक ने लांघ ली दहलीज कल फिर, एक झिझक ने लांघ ली दहलीज कल फिर, आंख में फिर आस मीठी पल रही है। रात कल कंगन खनकने की वजह से, नववधु नजरें बचा कर चल रही। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। रात कल कंगन खनकने की वजह से,
मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था। मौन बिल्कुल मौन हो चुपचाप सिरहाने खड़ा था। शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। शब्द बनकर आरती स्वर कान में रस घोलते थे। वह अधर ऐसे सटे दू जे अधर से क्या बताएं। वह अधर ऐसे सटे दू जे अधर से क्या बताएं। जो अधर एक दूसरे से अब तलक ना बोलते थे। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल। आप जानते हैं कि रात या तो अमावस्या की होगी, काली होगी, या तो चांदनी होगी, लेकिन गुलाबी होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि प्रेम के पल जब व्यक्ति जी रहा होता है तो उसे पूरी दुनिया ही गुलाबी लगती है, तब रात के तो क्या ही करें। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल। रात की रंगत गुलाबी हो गई कल। चांदनी सिंदूर सा कुछ मल रही थी रात कल। कंगन खनकने की वजह से। बहुत बहुत भाई, बहुत अच्छे, वाह।